नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्यानु टीवी। नित्यानु टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार इस वक्त की बड़ी खबर दतिया जिले से आ रही है। आपको बता दें, दतिया में कोरोना की चेन को किस प्रकार तोड़ा जाए, शहर में निकल रहे संक्रमित मरीजों की संख्या में कैसे कमी लाई जाए, जिसके चलते दतिया कलेक्टर ने शहर के समाज सेवी संस्था जागरूक लोगों से सहयोग की अपील की। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर शहर का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कलेक्टर द्वारा अपने हाथों से मास्क पहनाया गया। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दतिया जिले से। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी की गई, साथ ही इस बीमारी से संबंधित जानकारी भी दी गई। इस दौरान कलेक्टर संजय कुमार के साथ भाजपा के युवा नेता भूरे चौधरी, मुकेश यादव, विजय झंडा गुरु, सतीश यादव एवं समाज सेवक विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि शहर के मुख्य स्थानों पर हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं, जिनमें कोरोना संबंधित जानकारी, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था होगी। देखिए दतिया से रजनी लिटोरिया की खास खबर। दतिया शहर के सभी समाज सेवी संगठनों ने, समाज सेवी लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि दतिया शहर में कोरोना को रोकने के लिए वो भागीदारी करेंगे। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पे, प्रमुख स्थानों पे, लगभग 25 स्थानों पे हेल्प डेस्क लगाएंगे। हेल्प डेस्क में बैनर रहेगा जिसमें बताया जाएगा कि कोरोना से रोकथाम के क्या उपाय हैं, मास्क निःशुल्क वितरण किए जाएंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे, हिदायत देंगे, एक अनाउंसमेंट सिस्टम होगा जिससे लगातार लोगों को शिक्षित करेंगे कोरोना के बारे में, बचाव के बारे में। तो इस प्रकार से लोगों ने भी बीड़ा उठाया हुआ है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो कोशिश की जा रही है उसको ये सुदृढ़ और सशक्त करेंगे। और आपने देखा ही होगा कि अभी शहर में कोरोना की बीमारी तो है, लेकिन यहाँ पे दतिया पे तकरीबन 99% लोग मास्क लगा करके निकल रहे हैं। ये लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, जागरूकता आ गई है लोगों में, और ये बना रहे और कोरोना से लड़ाई हम लोग जीत जाएं, इस सब के लिए समाज के लोग उठ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर से बहुत शीघ्र ही जो है वो अभी जो कोरोना के संक्रमण का जो बढ़त है उसको हम लोग रोक लेंगे और नीचे कर। सर, मेडिकल पे देखा गया है कि आपने हर मेडिकल पे जाके मास्क लगाए हैं, तो कितने मेडिकलों पे, कितने काउंटर पे ये अक्सर ये जो काउंटर लगाए गए हैं मेडिकल के आसपास, क्योंकि वहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क वगैरह आराम से मिल जाते हैं। और विभिन्न जो संगठनों ने उन स्थानों का चयन किया है, प्रमुख स्थानों का, तो ऐसे कुल 25 स्थान अभी तय किए हैं। और भविष्य में और आवश्यकता होगी तो और भी संगठन, और भी संस्थाएँ आएगी और शहर के विभिन्न स्थानों पर जन सहयोग से जन जागरूकता का ये कार्यक्रम को आगे।